नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। रोपड़ पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिलों के विभिन्न शहरों कस्बों से रात के समय सेलर, गोदामों, कारखानों से चोरी करने वाले 6 मेंबरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि 3 सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन रूपनगर में प्रेस वार्ता के दौरान एसपीडी मनविंदर वीर सिंह ने बताया कि इन आरोपियों ने अब तक करीब 50 के करीब वारदातों को अंजाम दिया है। सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर सतनाम सिंह की टीम सहित पुलिस दल मोरिंडा से रूपनगर रोड पर टी पॉइंट ग्राम रसूलपुर में मौजूद था। सूचना मिलने पर मामला क्रमांक 46 दिनांक 28 अगस्त 2022 को थाना सदर मोरिंडा जांच के दौरान मुखबिर की सूचना के अनुसार ग्राम रामगढ़ ग्राम चकला से गांव ओविंद की ओर, जहां से सूखी एसवाईएल नहर के पास स्थान पर छापेमारी की गई करके आरोपित को घातक हथियार, रॉड और डंडे और एक चौपहिया छोटा हाथी वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक उनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी, जिनसे कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में खुहारी पुत्र नसीबा निवासी वार्ड नंबर 16 बंगाला बस्ती निकट रेलवे स्टेशन कुराली जिला ऐसे इस नगर केरी पुत्र गोलू निवासी वार्ड नंबर 16 बंगला बस्ती रेलवे स्टेशन कुराली जिला ऐसे इस नगर शेखर पुत्र कृष्णा निवासी वार्ड नंबर 16 बंगला बस्ती के पास रेलवे स्टेशन कुराली पप्पी का बादल पुत्र वार्ड नंबर 16 बंगला बस्ती के पास रेलवे स्टेशन कुराली सन्नी बेटा जंग निवासी वार्ड नंबर 16 बंगला बस्ती के पास रेलवे स्टेशन कुराली रवि बाबा पुत्र श्याम निवासी वार्ड नंबर 10 इंदिरा कॉलोनी श्री चमकौर साहिब थाना श्री चमकौर साहिब अजय बड़ा बेटा जामला निवासी वार्ड ना इंदिरा कॉलोनी श्री चमकौर साहिब थाना श्री चमकौर साहिब थाना पुत्रतार निवासी वार्ड नंबर 10 इंदिरा कॉलोनी श्री चमकौर साहिब एवं मानक पुत्र मिठू वार्ड नंबर 10 इंदिरा कॉलोनी श्री चमकौर साहिब थाना श्री चमकौर साहिब जिला रूपनगर शामिल है। रूपनगर से पंजाब टीवी प्राइम के लिए पुलकित कुमार की रिपोर्ट। जिहड़े साडे मानयोग डी जी पी पंजाब वालों जिहड़ी जिवें कि नशा मुक्त ते क्राइम नूं पंजाब चों खत्म करन लई जिहड़ी मुहिम चलाई आ, उसदे संबंध विच एस एस पी रूपनगर श्री संजीव गर्ग वालों जिहड़ी पार्टियां क्राइम नूं रोकण लई चले बहुत वधिया सफलता प्राप्त होई आ, जिहदे विच कल एक मुकदमा जिहड़ा हैगा 46 नंबर सदर मोरिंडे दर्ज होया वा, जिहदे विच एक गैंग जिहड़ा हैगा लोकां नूं उन्हां नूं बन्न के उत्थे शैलर दे विच जिहड़े आ चोरियां करदे, लोहे दीआं होर बंद फैक्ट्रियां जिहड़ियां हैगियां उहनां दे विचों जां सर्विस स्टेशन आ कोई वैल्डिंग दीआं दुकानां उत्थे उह वारदातां करदे सी। वारदात करन दा उहनां दा तरीका इह सीगा ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਲਈ ਰੈਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉਸ ਪਿਆਬ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਜੀਏਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, 3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਟਕੂਏ, 2 ਰਾਡਾਂ, ਇੱਕ 4 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ
फिर इन्हों की अगर इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जी रिकवरी करा इन्हों के जोड़े है देखो ये सारा गैंग जोड़ा है काफ़ी वारदातों ने कर रहे हूँ असं कल कल तो जो पूछगिछ करा तो क्लीयर होगा भी कि बंदे है कि इन्होंने करीब 50 तो वध केस है जिहड़े नाल दे डिस्ट्रिक्टां दे विच तां रूपनगर दे विच वारदातां कीतियां है घर भी जिहड़े है रैकी कर लैंदे आ जिहड़े घर कुछ इन्हां नूं बंद मिलदे है उन्हां दे घरां दे विच भी इन्हां ने वारदातां कीतियां ज़्यादातर तो ये जिहड़े शैलर आ बंद फैक्ट्रियां जिथे कोई एक चौकीदार कोई रख्या हुंदा उन्होंने बन के उतों जो समान लैके जाए।